अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है डेवलपमेंट ऑफ साइनस मेनोसिस। आपको याद होगा प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि हमारे पास जो हार्ट ट्यूब है वो कैसे डिराइव होती है, हार्ट ट्यूब की जो प्रोजेनिटर हार्ट सेल्स हैं वो कैसे और कहाँ से डिराइव हुए थे। फिर हमने हार्ट ट्यूब की फॉर्मेशन देखी थी, देन हमने कार्डियक लूपिंग और उसके अलावा हार्ट ट्यूब की फेट देख ली है। आपको याद होगा कि हार्ट ट्यूब की फेट में हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके थे कि हमारे पास जब हार्ट ट्यूब बनती है तो इस तरह के कुछ जो हैं वो रीजन्स अपीयर होते हैं, ठीक है, इस तरह की कुछ रीजन्स चार पांच स्ट्रक्चर्स में अपीयर होना होता है। उनमें आपको याद होगा कि यहाँ पर हमारे पास ये ट्रंकस आर्टेरोसिस था, ये हमारे पास जो है वो बल्बस कॉर्डस था, ये प्रिमिटिव वेंट्रिकल्स थी, ये प्रिमिटिव एट्रिया में डेवलप होंगी, एंड देन दिस वाज द साइनस विनोसिस, ठीक है। ये हमारा मेजर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसे हम साइनस विनोसिस कहते हैं। ये साइनस विनोसिस का लेफ्ट एंड राइट हॉर्न्स हैं, ठीक है जी। तो अब आपने याद रखना है कि फोर्थ वीक में हमारे पास जो साइनस विनोसिस है उसके दो हॉर्न्स इनिशियली प्रेजेंट होते हैं। एक हमारे पास इसका लेफ्ट हॉर्न प्रेजेंट है, ठीक है जी, और दूसरा हमारे पास क्या है इसका राइट हॉर्न। शुरू शुरू में हमारे पास ये जो साइनस विनोसिस डेवलप हुआ है इसके दो हॉर्न्स हैं, लेफ्ट एंड राइट हॉर्न हैं। और आपने ये भी याद रखना है कि ये जो लेफ्ट एंड राइट हॉर्न हैं ये वीनस ड्रेनेज जो है ड्रेनेज ले रहे हैं, तीन तरह की वेन्स जो हैं इन दोनों हॉर्न्स को सप्लाई करेंगी, ठीक है। कौन कौन सी तीन तरह की वेन्स जो हैं वो एम्ब्रियो में प्रेजेंट होती हैं, अम्ब्लाइकल वेन होती है, ठीक है, अम्ब्लाइकल वैन है, देन हमारे पास क्या है विटलाइन वैन है, और फिर हमारे पास आती है कॉमन कार्डिनल वैन, ठीक है जी। हमारे पास इन तीनों वैन से स्टार्टिंग में फोर्थ वीक के स्टार्ट में अगर हम बात करें तो साइनस हॉर्न के जो साइनस विनोसिस के दोनों हॉर्न्स हैं वो एक्टिव हैं और वो वीनस ड्रेनेज इन तीनों वैन से ले रहे हैं। लेकिन ड्यूरिंग फिफ्थ वीक एंड ऑनवर्ड टेंथ वीक के दौरान हम ये देखेंगे कि जो लेफ्ट हॉर्न है वो हमारे पास अपनी इंपॉर्टेंस लूज कर देता है, ठीक है जी। ये नॉन एक्टिव नॉन फंक्शन हो जाता है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती, सारे का सारा फंक्शन जो है वो राइट हॉर्न ही साइनस विनोसिस का परफॉर्म कर रहा होता है, और यही ओरिजिनल साइनस विनोसिस का कम्युनिकेशन का जरिया रह जाता है बिटवीन साइनस विनोसिस एंड राइट एट्रियम, ठीक है। तो हमने देखा कि फिफ्थ वीक और टेंथ वीक में हमारे पास ड्यूरिंग द ऑब्लिटरेशन ऑफ राइट अम्ब्लाइकल वैन, राइट अम्ब्लाइकल वैन हमारे पास जो है ऑब्लिटरेट हुई, और उसके अलावा लेफ्ट विटलाइन वैन फिफ्थ वीक में, ठीक है जी। इन दोनों की ऑब्लिटरेशन हुई फिफ्थ वीक में, जिसकी वजह से लेफ्ट हॉर्न की इंपॉर्टेंस जो है वो कम हो गई। और फिर हमने देखा कि टेंथ वीक के दौरान हमारे पास ऑब्लिटरेट होगी कॉमन कार्डिनल वैन, ठीक है जी। कॉमन कार्डिनल वैन की ऑब्लिटरेशन के बाद हमारे पास क्या हुआ कि जो लेफ्ट हॉर्न था उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई, इसमें से जो इसका बचा कुचा हिस्सा रह गया या इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर रह गए जो हार्ट को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सिर्फ लेफ्ट हॉर्न की तरफ से हमारे पास दो स्ट्रक्चर रह गए, एक हमारे पास कोरोनरी साइनस एंड ऑब्लीक वेन ऑफ लेफ्ट एट्रियम, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या रह गया इसमें से, सिर्फ कोरोनरी साइनस एंड ऑब्लीक वेन ऑफ लेफ्ट एट्रियम, ऑब्लीक वेन ऑफ लेफ्ट एट्रियम, ठीक है जी। तो हमने ये याद रखना है कि पांचवें और दसवें हफ्ते के दौरान लेफ्ट साइनस हॉर्न जो है वेन्स की ऑब्लिटरेशन के बाद अपनी इंपॉर्टेंस उसकी खत्म हो जाती है, उसमें से सिर्फ दो स्मॉल स्ट्रक्चर रह जाते हैं जो हार्ट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दैट इज करोनरी साइनस एंड लेफ्ट आर्ट्रियम की जो है ओब्लीक वेन, ठीक है। तो आपसे अगर फेट पूछी जाए लेफ्ट साइनस हॉर्न की तो उसकी फेट में आपने ये दो स्ट्रक्चर्स लिखने हैं, सिर्फ ये दो स्ट्रक्चर रह जाते हैं, बाकी वो अपनी इंपॉर्टेंस उसकी खत्म हो जाती है। अब हमारे पास क्या है कि राइट हॉर्न जो है वही मेन पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन रह गया है बिटवीन साइनस विनोसिस एंड राइट एट्रियम। तो ये जो राइट साइनस हॉर्न है ये पहले हमारे पास जो है वो राइट एट्रियम से बाहर पड़ा होता है, ठीक है, ये हमारे पास समझ ले कॉमन एट्रियम है, ठीक है। ये राइट एट्रियम से पहले तो बाहर की साइड पे होता है, लेकिन फिर क्या है कि राइट एट्रियम के इनसाइड इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, ठीक है जी। इसके अंदर जब ये इनकॉर्पोरेट हो जाएगा राइट एट्रियम में तो जाके ये राइट एट्रियम की स्मूथ वॉल पार्ट बनाएगा। आपको पता है कि हमारे पास जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स हैं उनके दो तरह के पार्ट होते हैं, स्मूथ पार्ट होता है एक, और एक स्मूथ वॉल पार्ट होता है और एक ट्रैबिक्यूलेटेड, ठीक है जी। स्मूथ वॉल पार्ट होता है और एक ट्रैबिक्यूलेटेड पार्ट होता है, हमारे पास राइट साइनस हॉर्न राइट एट्रियम के अंदर इनकॉर्पोरेट होने के बाद उसका राइट स्मूथ वॉल पार्ट बनवाएगा, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमने कहा लेफ्ट साइनस हॉर्न ने अपनी इंपॉर्टेंस लूज कर दी है, सिर्फ राइट साइनस हॉर्न ही जो है वो मेजर पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन रह गया है बिटवीन साइनस विनोसिस एंड राइट एट्रियम। तो इसीलिए जो ब्लड आ रहा है वीनस ड्रेनेज की तरफ से वो हमारे पास कहाँ आएगा, वीआ सुपीरियर वेना कैवा एंड इन्फीरियर वेना कैवा इन राइट एट्रियम, ठीक है जी। राइट हॉर्न ही राइट एट्रियम में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से कलेक्ट करके लेके आ रहा है। तो यहाँ पर जब ये इनकॉर्पोरेट हो गया तो हम देखेंगे
कि हमारे पास इसकी एंट्रेंस में ना हमें एक साइनो एट्रियल ऑरिफिस नज़र आएगा, ठीक है। ये अगर हमारे पास कॉमन एट्रियम है तो यहाँ पर इसकी एट्रियम में हमें यहाँ पर क्या नज़र आएगा, एक साइनो एट्रियल ऑरिफिस को कहता है नज़र आएगा, ठीक है। ये साइनो एट्रियल ऑरिफिस के दोनों साइड पे वेल्व्यूलर फोल्ड्स हैं, एक लेफ्ट वेल्व्यूलर फोल्ड है और एक राइट वेल्व्यूलर फोल्ड है। पॉइंट में स्टार्टिंग में ये जो वेल्व्यूलर फोल्ड्स हैं ये आपस में फ्यूज हुए हुए हैं, इनकी फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको हम कहते हैं सेप्टम सुपूरियम, ठीक है जी। इसको हम क्या कहते हैं, सेप्टम सुपूरियम कहते हैं। और ये हमारे पास साइनो एट्रियल ऑरिफिस है, इसके राइट एंड लेफ्ट जो है वो वेल्व्यूलर फोल्ड्स हैं। विद टाइम हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो लेफ्ट वाला इसका फोल्ड होता है ये फ्यूज हो जाता है इसी सेप्टम सुपूरियम के साथ, ठीक है। और जो लेफ्ट और जो राइट वाला साइनस सॉरी राइट वाला जो वेल्व्यूलर फोल्ड है, ये राइट वेल्व्यूलर फोल्ड इसका जो सुपीरियर पोर्शन है वो डिसअपीयर हो जाएगा, जबकि इसके इन्फीरियर पोर्शन जो है वो वेल्व्स में हमारे पास वेल्व्स की कंट्रीब्यूशन करेगा। तो मैंने आपको क्या बताया है कि हमारे पास जो राइट साइनस हॉर्न है, इसको जरा जल्दी से वो कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं। राइट साइनस हॉर्न जो है ये इनकॉर्पोरेट होगा विद इन द राइट एट्रियम, ठीक है जी। ये कॉमन एट्रियम है, यहाँ राइट एट्रियम में ये इनकॉर्पोरेट हो रहा है। इसकी इनकॉर्पोरेशन में हम कहेंगे एंट्रेंस में हमारे पास क्या है, साइनो एट्रियल नोड है। उस साइनो एट्रियल नोड के दोनों तरफ वेल्व्यूलर फोल्ड्स हैं, एक वेल्व फोल्ड इधर है, एक वेल्व का फोल्ड इधर है। ये लेफ्ट वाला वेल्व्यूलर फोल्ड जो है ये सेप्टम सुपूरियम के साथ फ्यूज हो जाएगा, जबकि जो राइट वाला हमारे पास क्या है, राइट वेल्व्यूलर फोल्ड है, इसके दो पोर्शन हैं, ठीक है। एक हमारे पास इसका क्या है, सुपीरियर पोर्शन, एक इसका क्या है, इन्फीरियर पोर्शन। वो कहता है थोड़ी ही देर के बाद ये सुपीरियर पोर्शन जो है ये क्या हो जाएगा, डिसअपीयर, ठीक है। सुपीरियर पोर्शन क्या हो जाएगा, डिसअपीयर। इन्फीरियर पोर्शन जो है वो हमारे पास क्या बनाएगा, वेल्व्स बनाएगा, दो तरह की वेल्व्स बनवाएगा, इन्फीरियर वेना कैवा की वेल्व बनवाएगा, ठीक है। उसके अलावा कोरोनरी साइनस की वेल्व बनवाएगा, कोरोनरी साइनस की वेल्व, ठीक है। अगर आप अपनी बुक देखें, लेगमेंट्स देखें, तो उसमें उसने डायग्रामेटिकली इस चीज़ को समझाया हुआ है कि यहाँ पर देखें कि हमारे पास जब राइट साइनस हॉर्न जो है वो इनकॉर्पोरेट हुआ, ठीक है, उसकी इनकॉर्पोरेशन के बाद यहाँ पर साइनो एट्रियल ऑरिफिस अपीयर हुआ। ऑरिफिस की दोनों साइड पे वेल्व्यूलर फोल्ड्स हैं, ब्लू में जो आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये जो फोल्ड्स हैं ये वेल्व्स हैं जो आपस में फ्यूज हुए हैं स्टार्टिंग में क्रेनियली। इस पोर्शन को हम कहते हैं सेप्टम सुपूरियम, ठीक है। बाद में हम देखेंगे कि हमारे पास जो लेफ्ट वाला वेल्व है पूरे का पूरा डिसअपीयर हो चुका है, राइट वेल्व का भी अपर पोर्शन डिसअपीयर है, जबकि लोअर पोर्शन हमारे पास क्या डेवलप करा रहा है, वेल्व्स बनवा रहा है। किसकी वेल्व बनवाएगा, सुपीरियर वेना कैवा सॉरी इंफीरियर वेना कैवा की वेल्व बनाएगा, और उसके अलावा कोरोनरी साइनस की वेल्व बनाएगा, ठीक है। तो लेगमेंट्स में उसने वीनस की डेवलपमेंट को इतना ही बताया हुआ है कि हमारे पास दो वीनस हॉर्न होते हैं, लेफ्ट एंड राइट वीनस हॉर्न। लेफ्ट वीनस हॉर्न अपनी इंपॉर्टेंस लूज कर देता है जब ब्लड के शंट्स जो है वो शिफ्ट होते हैं टूवर्ड द राइट। राइट साइनस हॉर्न उसकी एक ही ब्रांच है, ठीक है, वो इसीलिए हमारे पास जितना भी वीनस रहने से ब्लड आ रहा था वो सारे का सारा राइट एट्रियम में आता है विया सुपीरियर वेना कैवा एंड इंफीरियर वेना कैवा, ठीक है। यहां पर जो ब्लड आता है वो राइट साइनस हॉर्न की मदद से आ रहा है, और राइट साइनस हॉर्न जो है वो इसके अंदर इनकॉर्पोरेट होके इसके स्मूथ वॉल पार्ट बी बनवा रहा है। फिर हमने देखा कि इसके एंट्रेंस में हमें एक साइनो एट्रियल वेल्व ऑरिफिस नजर आएगा जिसमें दो वेल्व्यूलर फोल्ड हैं, लेफ्ट वाला वेल्व्यूलर फोल्ड डिसअपीयर होगा, राइट वेल्व्यूलर फोल्ड का सुपीरियर पोर्शन डिसअपीयर होगा, जबकि इन्फीरियर हमारे पास इन्फीरियर वेना कैवा और कोरोनरी साइनस की वेल्व बनवाएगा। उसके अलावा एक एंड टू पॉइंट्स ने बताया हुआ है कि जो हमारे पास स्मूथ पार्ट, ठीक है, मैंने आपको बहुत दफ़ा ये बात बताई है कि हमारे पास जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स हैं उनमें दो तरह की वॉल होती है, एक स्मूथ वॉल होती है और एक ट्रैबिक्यूलेटेड वॉल होती है। इन दोनों के दरमियान जो पॉइंट एक लेयर हमारे पास अपीयर होती है जो दोनों को डिफ्रेंशिएट कर रही है या डिस्टिंग्विश कर रही है एक दूसरे से, उसको हम कहते हैं क्रिस्टा टर्मिनलिस, ठीक है। ये एक टर्म आपने याद रखनी है, इसको क्या कहते हैं, क्रिस्टा टर्मिनलिस, जो स्मूथ एंड ट्रैबिक्यूलेटेड पार्ट के दरमियान एज अ लेयर अपीयर हुई है, इन दोनों को सेपरेट कर रही है। तो ये हमारे पास क्या था, बहुत इजी सा टॉपिक था साइनस विनोसिस की डेवलपमेंट। जो मेन काम है वो हमारे पास क्या है, राइट हॉर्न है साइनस विनोसिस का, जिसकी सारी कॉन्ट्रीब्यूशन है टूवर्ड द राइट एट्रियम, वहाँ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कैरी करके लाएगा वी सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कैवा।